मध्याह्न 12 बजे के करीब भारतीय स्टेट बैंक की रेपुरा बाजार शाखा में घुसे 6 लुटेरों ने असलहों के दम पर करीब 7.25 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद ये लुटेरे लोगों की आंखों के सामने से असलहे लहराते हुए और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लुटेरे 2 बाइक पर आए थे, उन्होंने मास्क और हेलमेट पहन रखा था। सभी अपराधियों के हाथ में बंदूक था, जिसमें लोगों द्वारा चिल्लाने पर खौफ पैदा करने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी किया। दिन दहाड़े एक बार फिर अपराध कर्मियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अपराधियों ने पुलिस को एक बड़ी चुनौती बैंक डकैती कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मियों से जानकारी लेने के बाद बताया कि कैश काउंटर से 6 लाख रुपए लूटे गए हैं। बैंक में लूट की इस वारदात की जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को हो गई थी। लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ में असलहे देखकर रुक गए। लोग एक दीवार की ओर से खड़े होकर लुटेरों की ललकारने लगे, लेकिन लुटेरे असलहे लहराते हुए फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो में लुटेरे बैंक के बाहर असलहे लहराते हुए नजर आ रही है। स्टेट बैंक बैंक इधर है ना? अभी रेपुरा बाजार पर बैंक में डकैती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।